नमस्कार, मेरा नाम नवीन कुमार है और इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि एलिटरेशन, एसोनेंस और कॉन्सोनेंस में क्या डिफरेंस होता है। सभी स्टूडेंट्स के लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि लिटरेचर के बहुत से एग्जाम्स में फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उस दृष्टि से ये जो वीडियो है काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एलिटरेशन, एसोनेंस और कॉन्सोनेंस में कुछ समानता है, कुछ डिफरेंस है। तो हम इस वीडियो में इनमें क्या डिफरेंस है और क्या समानता है उन चीज़ों को देखेंगे, और आप इस वीडियो के पश्चात अवश्य ही समझ जाएंगे कि एलिटरेशन, एसोनेंस और कॉन्सोनेंस में डिफरेंस क्या है। और अगर कहीं पे पहचानने की बात होगी किस सेंटेंस में एलिटरेशन है, किस सेंटेंस में एसोनेंस है और किस सेंटेंस में कॉन्सोनेंस है, तो ये आपके लिए बहुत ही ईजी होने वाला है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखें और ताकि पूरी तरह से पता चल जाए आपको कि एलिटरेशन, एसोनेंस और कॉन्सोनेंस में क्या डिफरेंस होता है, और हम कैसे जान सकते हैं कि एलिटरेशन, एसोनेंस और कॉन्सोनेंस कहाँ पर है, किस वाक्य में एलिटरेशन है, किस सेंटेंस में एसोनेशन है और किस सेंटेंस में कॉन्सोनेंस है। तो चलिए देखते हैं। पहले तो इनके बारे में पढ़ते हैं कि ये आखिर में होते क्या है। तो एलिटरेशन, एसोनेंस और कॉन्सोनेंस तीनों ही ऐसे फिगर्स ऑफ स्पीच हैं जिनमें किसी साउंड का रिपीटेशन होता है, अर्थात कोई साउंड दोहराई जाती है। तीनों किसी साउंड को रिपीट करने के लिए जाने जाते हैं, अर्थात तीनों में ही कोई ना कोई साउंड होती है जो रिपीट की जाती है। लेकिन तीनों में अंतर होता है फिर भी, लेकिन ये अंतर होता क्या है? तो ये अंतर ये होता है कि एलिटरेशन, सबसे पहले देखते हैं एलिटरेशन क्या होता है। एलिटरेशन, इसमें साउंड का रिपीटेशन किसी शब्द के शुरू में होता है। जो साउंड का रिपीटेशन है वो किसी शब्द के शुरू में किया जाता है। इसमें जैसे हम हिंदी में जानते हैं अनुप्रास अलंकार, तो ये अनुप्रास अलंकार ही होता है एलिटरेशन। अनुप्रास अलंकार में किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, जिस सेंटेंस में या जिस लाइन में किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है उस सेंटेंस में अनुप्रास अलंकार होता है। तो वही चीज इसमें है कि इसमें कोई साउंड होती है जो रिपीट की जाती है, लेकिन ये किसी भी शब्दों के शुरू में रिपीट की जाती है। जैसे ये दो वर्ड्स लीजिए, जैसे एग्जांपल में मैंने बताए हैं टंग ट्विस्टर्स, तो इसमें जो टै साउंड है, ये देखिए टै साउंड जो है इसकी ये रिपीट हो रही है, पहले में भी रिपीट हो रही है टंग अर्थात टै, और दूसरे में भी ट्विस्टर अर्थात टै, तो ये साउंड जो है रिपीट हो रही है। तो इस जो ये जो दो शब्द हैं इनमें क्या है? एलिटरेशन है। अगला सेंटेंस अगला देखिए एसोनेंस। एसोनेंस क्या होता है? इसमें भी साउंड की रिपीटेशन होती है, अर्थात इसमें साउंड का रिपीटेशन कभी भी हो सकता है, ठीक है, कहीं भी हो सकता है, मतलब कहने का कहीं भी हो सकता है इसमें साउंड का रिपीटेशन, लेकिन इसमें केवल वाउल साउंड ही रिपीट होगी। इस चीज को ध्यान में रखा जाता है। एलिटरेशन में चाहे साउंड कुछ भी हो, चाहे वाउल साउंड हो चाहे कॉन्सोनेंट साउंड हो, लेकिन उसमें क्या है कि साउंड जो है वो शब्द के शुरू में रिपीट होती है। लेकिन एसोनेंस में क्या होता है? साउंड तो रिपीट होती है, लेकिन वो साउंड कौन सी साउंड होती है? वो कोई वाउल साउंड होती है, तो इसमें वाउल साउंड रिपीट की जाती है। तो एक एग्जांपल देते हैं, जैसे एग्जांपल है सैली सेल्स सी सेल्स बिसाइड द सीशोर, ये एग्जांपल है। तो इसमें देखती है इसमें देखते हैं, और इसमें दो साउंड है, एक तो क्या है लॉन्ग ई साउंड है और एक है शॉर्ट ई साउंड, ठीक है। तो इसमें एक तो लॉन्ग ई साउंड है, देखिए लॉन्ग ई साउंड है, लॉन्ग ई साउंड, और एक है शॉर्ट ई साउंड है, ठीक है। तो ये कहाँ है? देखिए सैली, सैली में ये लॉन्ग ए साउंड है, इसमें सेल्स, इसमें शॉर्ट ए साउंड है, इसमें सी, इसमें भी ए साउंड है, इसमें शेल्स, इसमें लॉन्ग ए है, इसमें बिसाइड, इसमें ई साउंड है, ठीक है, इसमें ई साउंड है। इसमें देखिए पहले शैली ए साउंड, सेल्स ए साउंड, सी ई साउंड, शेल्स ए साउंड, बिसाइड इसमें ई साउंड, देखिए मैं निशान लगा देता हूँ, इसमें ई साउंड, इसमें ए साउंड, इसमें ए साउंड, इसमें भी ए साउंड, ठीक है, इसमें ई साउंड, इसमें ई साउंड, और इसमें भी ए साउंड थी,
और इसमें ई साउंड और इसमें ए साउंड शार, तो इसमें ए साउंड। तो इसमें क्या है कि ये देखो, हमने पहले कहा था कि रिपीटेशन कहीं भी हो सकता है, शब्द के शुरू में भी हो सकता है, लास्ट में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, लेकिन इसमें केवल वो जो वाउल साउंड है उसका रिपीटेशन होगा, वाउल साउंड ही रिपीट होगी। तो इस तरह से देखते हैं तो इसमें एसोनेंस है, क्योंकि इसमें देखिए ए और ई साउंड बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। इसमें लॉन्ग ए और शॉर्ट ई साउंड बार बार रिपीट हो रही है हर शब्द में लगभग, तो ज्यादातर इसमें रिपीट हो रही है, तो इस एग्जाम्पल में क्या है, एसोनेंस है। और एक तरह से देखो तो इसमें जो सह साउंड है, देखिए इसमें जो सह साउंड है वो भी बार बार रिपीट हो रही है हर शब्द में, रिपीट हो रही है और हर शब्द के शुरू में ही रिपीट हो रही है। देखिए सैली, सह 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 और सह और सह। तो इस तरह से देखेंगे तो इसमें एलिट्रेशन भी है, तो इस लाइन में क्या है, एलिट्रेशन भी है और एसोनेंस भी है। एलिट्रेशन कैसे है, सह साउंड की वजह से, और एसोनेंस किस लिए है, लॉन्ग ए साउंड और शॉर्ट ई साउंड की वजह से। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि एसोनेंस क्यों है, एसोनेंस कहाँ होता है। तो इस सेंटेंस में एसोनेंस भी है और एलिट्रेशन भी है। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं, अगला जो है कॉन्सोनेंस है उसको देखते हैं। अब कॉन्सोनेंस क्या होता है, इसमें केवल कॉन्सोनेंट साउंड ही रिपीट होती है, इसमें साउंड तो रिपीट होती है लेकिन इसमें केवल कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होगी, और इसकी जगह भी फिक्स होती है कि कहाँ रिपीट होगी। ये या तो शब्द के बीच में रिपीट होगी या शब्द के अंत में रिपीट होगी, शुरू में रिपीट कभी नहीं होगी। तो कॉन्सोनेंस जैसा कि नाम से ही जाहिर है, कॉन्सोनेंट, ठीक है, कॉन्सोनेंस मीन्स कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंस क्या होता है, कॉन्सोनेंस में कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है, लेकिन इस चीज को भी ध्यान रखना है कि कॉन्सोनेंट साउंड शब्द के शुरू में रिपीट कभी नहीं होगी, या तो शब्द के बीच में रिपीट होगी या शब्द के लास्ट में रिपीट होगी। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, पीटर पैटर पीटर पैटर। अब इसमें देखिए टै और रे साउंड रिपीट हो रही है, देखिए टै और रे साउंड रिपीट हो रही है और दोनों ही कॉन्सोनेंट हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पे तो टै साउंड है, यहां पे रे साउंड है, ये तो सेंटेंस के बीच में है, जो टै साउंड है ये तो सेंटेंस के बीच में है और जो रे साउंड है वो सेंटेंस के आखिर में है। अगला देखिए टै साउंड और रे साउंड, टै सेंटेंस के बीच में है और रे सेंटेंस के लास्ट में है। अगला देखिए यही फिर दोबारा है पीटर पैटर, तो यहीं पे टै साउंड है और इसके आखिर में क्या है, रे साउंड है, और इसमें देखिए टै साउंड है और इसके लास्ट में क्या है, रे साउंड है, रे साउंड है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये एक कॉन्सोनेंस का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, पीटर पैटर पीटर पैटर। तो आप समझ गए होंगे, एक बार फिर से देख लीजिए, साउंड रिपीट की जाती है, ठीक है। लेकिन एलिट्रेशन में क्या होता है कि साउंड शब्द के शुरू में रिपीट की जाती है, और साउंड कुछ भी हो सकती है, कॉन्सोनेंट भी हो सकता है और वोवल भी हो सकता है। एसोनेंस में क्या होता है कि एसोनेंस में साउंड की रिपीटेशन कहीं भी हो सकती है, ठीक है। एलिट्रेशन में क्या था, शब्द के शुरू में होगी, लेकिन एसोनेंस में क्या है कि कहीं भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन इसमें केवल वाउल साउंड है, इसमें केवल वाउल साउंड ही रिपीट होगी। आगे कॉन्सोनेंस, कॉन्सोनेंस में केवल कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होगी और उसकी भी जगह फिक्स है, जैसे एलिट्रेशन में जगह फिक्स है कि शब्द के शुरू में ही रिपीट हो सकती है, इसलिए कॉन्सोनेंस में भी जगह फिक्स है कि यह केवल या तो शब्द के बीच में रिपीट हो सकती है या शब्द के अंत में रिपीट हो सकती है। आपके नोट्स के लिए अर्थात एक्सरसाइज के लिए एक बार आगे देखिए ये सेंटेंस, द रिवर रश्ड रैपिडली ओवर द रॉक्स। इसमें आर साउंड रिपीट हो रही है इसलिए यहां पर एलिट्रेशन है, ठीक है। इसमें आर साउंड रिपीट हो रही है, ये देखिए ये जो ब्लैक कलर में है ये आर साउंड है, अर्थात रे साउंड है, ये देखिए आर नहीं रे साउंड है, इसमें भी देखिए रे साउंड है, ये देखिए रे साउंड है, ये भी रे साउंड है, इसमें रे, अर्थात रे साउंड रिपीट हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, एलिट्रेशन है, एलिट्रेशन है। अगला देखिए गो स्लो ओवर द रोड, इसमें क्या है, ओ साउंड रिपीट हो रही है, और ओ क्या होता है, हम जानते हैं कि ए ई आई ओ यू ये वाउल होते हैं, ये वाउल साउंड होती हैं, तो यहाँ पे कौन सा रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है ओ। तो
यहाँ पे ओ साउंड रिपीट हो रही है, देखिए ओ ओ ओ, ठीक है, और ओ, तो इसमें वाउल साउंड रिपीट हो रही है। और हम जानते हैं कि वाउल साउंड कहाँ होती है, वाउल साउंड कहीं भी हो सकती है, सेंटेंस के आखिर में भी हो सकती है, बीच में भी हो सकती है, शुरू में भी हो सकती है, लेकिन जब वाउल साउंड रिपीट होगी वहां क्या होगा, एस वन एंस होगा, तो इस सेंटेंस में एस वन एंस है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं ओड्स एंड एंड्स, तो इसमें डे और से साउंड रिपीट हो रही है, डे और से साउंड रिपीट हो रही है, और हम जानते हैं कि डे और से ये दोनों क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट हैं, तो कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रही है, और वो भी कहाँ रिपीट हो रही है, ये देखिए डे साउंड तो बीच में और एस आखिर में, डे साउंड बीच में और एस आखिर में, मतलब से साउंड आखिर में, तो बीच में और आखिर में कौन सी साउंड, बीच में और आखिर में अगर कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो तो वह क्या होता है, वहां पे कॉन्सोनेंस होता है, तो इस सेंटेंस में कॉन्सोनेंस है। तो आप इस एग्जाम्पल में अच्छी तरह समझ गए होंगे कि एलिट्रेशन, एसोनेंस और कॉन्सोनेंस क्या होते हैं, और किस सेंटेंस में एलिट्रेशन होता है, किस सेंटेंस में कॉन्सोनेंस, सेंटेंस में इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में एक और फिगर ऑफ स्पीच के साथ मैं हाजिर हूँगा, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।